हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 2 फरवरी 2019 की हम बात करते हैं। साथियों, यह करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP हैज बीन रीनेम्ड एज द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विद ए मैंडेट टू डील विद मैटर्स रिलेटेड टू स्टार्टअप्स फैसिलिटिंग एज ऑफ डूइंग बिजनेस अमोंग अदर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेंड रखा गया है। यह स्टार्टअप से जुड़े मामले से निपटने के लिए जनादेश देता है, जिससे दूसरों के बीच कारोबार करने में आसानी होती है। नेक्स्ट, द पंजाब गवर्नमेंट अप्रूव्ड ए रूरल डेवलपमेंट स्कीम वर्थ 384.40 crore rupees टू सप्लीमेंट द ऑनगोइंग वर्क्स टू बिल्ड विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड एजेंशियल अमेनिटीज। पंजाब सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए चल रहे निर्माण कार्यों के ग्रामीण विकास और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 384.40 crore rupees की योजना को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, द डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल DAC चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अप्रूव्ड इंडिजियस कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 सबमरीन्स वर्थ 40,000 crore rupees। इट इज़ द सेकेंड प्रोजेक्ट अंडर द मिनिस्ट्रीज एम्बिशियस स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप मॉडल एमिंग टू बूस्ट द गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया प्रोग्राम। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 40,000 crore rupees की 6 पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को मंजूरी दी है। यह मंत्रालय के महत्वाकांक्षी रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत दूसरी परियोजना है, जिसका लक्ष्य सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। द यूनाइटेड नेशंस अनाउंस्ड 2019 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ द केमिकल एलिमेंट टू हाईलाइट इट्स फर्स्ट पब्लिकेशन इन 1869। द पीरियोडिक टेबल वाज फर्स्ट डिजाइंड बाय द रशियन साइंटिस्ट दमित्री इवानोविच मेंडलीव। संयुक्त राष्ट्र ने 1869 में अपने पहले प्रकाशन को उजागर करने के लिए रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2019 को घोषणा की। आवर्त सारणी को पहले रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडलीव ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं बैंकिंग, बिजनेस, इकोनॉमिक न्यूज, बैंकिंग, व्यापार और अर्थव्यवस्था समाचारों की। किसान सुविधा लोन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। द स्कीम विल अटेम्प्ट टू रीच द बॉटम ऑफ द पिरामिड विद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा लघु और सीमांत किसानों के लिए किसान सुविधा ऋण शुरू किया गया है। योजना उत्पादों और सेवाओं के साथ पिरामिड के निचले हिस्से तक पहुँचने का प्रयास करेगी। नेक्स्ट, Paytm हैज लॉन्च होटल बुकिंग ऑन इट्स प्लेटफॉर्म एंड एक्वायर्ड नाइट स्टे विच ऑफर्स डील्स ऑन लास्ट मिनट बुकिंग एट लग्जरी होटल्स एज द अलीबाबा बैक्ड पेमेंट एंड ई कॉमर्स कंपनी एक्सपांड्स इट्स ट्रेवल बिजनेस। Paytm ने अपने प्लेटफॉर्म पर होटल बुकिंग शुरू की है और नाइट स्टे का अधिग्रहण किया, जो लग्जरी होटलों में अंतिम मिनट की बुकिंग पर ऑफर की पेशकश करता है, क्योंकि अलीबाबा समर्थित भुगतान और ई कॉमर्स कंपनी ने अपने यात्रा व्यवसाय का विस्तार किया है। नेक्स्ट,
बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हैव बीन अलाउड टू एग्जिट द पीसीए फ्रेमवर्क फुल्ली। द थ्री लैंडर्स वर पार्ट ऑफ 11 गवर्नमेंट ओवर्ड बैंक्स पुट अंडर द फ्रेमवर्क इन 2070 एंड 2080। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीसीए ढांचे से पूरी तरह बाहर करने की अनुमति दी गई है। तीन ऋणदाता 2017 और 2018 में ढांचे के तहत रखे गए 11 सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के हिस्सा थे। नेक्स्ट बात करते हैं रैंकसन रिपोर्ट, रैंक्यूम रिपोर्ट की। एज पर द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSOJ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिट ए 45-year हाई ऑफ 6.1% इन 2070-80। इट इज द फर्स्ट कंप्रेहेंसिव सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट कंडक्टेड बाई ए गवर्नमेंट एजेंसी आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर में 2017-18 में 45% से बढ़कर 6.1% हो गई है। यह विमुद्रीकरण के बाद एक सरकारी एजेंसी द्वारा आयोजित रोजगार पर पहला व्यापक सर्वेक्षण है। तो मेरे प्यारे साथियों, यह था आज का करंट अफेयर्स जो कि आपकी सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशंस चैनल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।